1857 और बिहार के भाग दो में हम लोग पहला जो था इंट्रोडक्टरी था और ये दूसरा हिस्सा है। जैसा कि पहले भी बताया कि 1857 जो है ये 1757 से 100 साल हो रहा था। तो हम लोगों का देश तो देश है, कई मामलों में अजूबा भी है, कई मामलों में अच्छा भी है। अचानक सब जगह एक अफवाह फैलने लगा कि अब 100 साल हुआ है, अब भारत में कुछ ना कुछ होगा। और ये अफवाह जोरों से फैली कि 100 साल हुआ है, अब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे। तो भारत एक ऐसा देश है जहां सच्चाई से ज्यादा अफवाह का प्रभाव होता है लोगों पर। और इसीलिए एक तरह से जब आपको ये लगने लगे कि जो कहा जा रहा है अफवाह वही सच है, तो लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसे नहीं बोलते कि हम लोग गेस पेपर पास की यूपीएससी पास कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बोल देते कि हाँ, एक अगर 10 लाख रुपया गेस पेपर वाला दे देगा टॉपर को तो बोल देता है। इसलिए टॉपर सब सबसे अविश्वसनीय गाइड है। उसको पैसा मिले तो वह कचरे को भी कहेगा कि यही इसी से यूपीएससी पास किया जाता है। तो खराब लगेगा लोगों को, लेकिन जो आईएएस टॉप करता है, जो टॉप 10 20 होता है, वो तो पहले दिन ही भ्रष्ट हो जाता है। तो हमारे देश में ये अफवाह थी कि 100 साल हो रहा है, लेकिन उसका कुछ आधार भी होता है। अफवाह जब फैलता है तो आधार भी होता है। भारत में 100 साल में अंग्रेजों के प्रति भारी असंतोष फैला था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को एहसास करवाने का प्रयास किया था शुरुआत में कि अंग्रेज भारत के लोगों की भलाई के लिए आए हैं। और बहुत सारा थ्योरी जो उस समय पॉपुलर हुआ था कि असभ्य हैं, हम लोग सभ्य बनाने आए हैं, अंग्रेज दे आर ऑन ए ग्रेट मिशन टू सिविलाइज द वर्ल्ड, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वगैरह, यानी भारत के लोगों को सब और कॉमन रेस थ्योरी, कॉमन लैंग्वेज थ्योरी। और अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से अपने आप को भारत के अपर कास्ट का रिश्तेदार बताया, पिछड़ा हुआ भाई बताया। भारत के लोगों को भी उस जमाने में एहसास हुआ कि हो सकता है कि हम लोग भी अंग्रेज जैसा ही हो जाए। जैसे नहीं लोगों को लगता है कि हम 245 99 रुपया में हम भी आईएएस बनिए जाएंगे। तो ये एहसास भारत का एक चिरंतन जेनेटिक क्वालिटी, अभी कुछ होता है तो कोई अजूबा नहीं है। हम लोगों ने तो 200 साल अंग्रेजों से जूते खाए हैं इस कारण से कि हम लोगों को लगा कि हम लोग अंग्रेज जैसा हो जाएंगे। अंग्रेजों ने समझाया। तो यही हालत पढ़े लिखे लोग किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उसके उदाहरण है। लेकिन भारत में अभी हम लोग देखा आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हर लेवल पे असंतोष निश्चित रूप से था। हिंदू और मुसलमान भी डिससेटिस्फाइड थे। जमींदार लोग, राजे रजवाड़े लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, और भारत का तो आर्थिक दिवालिया निकल चुका था। इसलिए असंतोष नहीं था, इससे इनकार नहीं किया जाए। देर वॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द मासेस। एंड इफ समबडी वाज सेइंग कि समथिंग लाइक दिस में इमर्ज, तो उसका भी अपना आधार था। उस समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, है ना? टेलर वाज कमिश्नर ऑफ पटना। वह अधिकारी था तो उसे भी इस बात का एहसास था। और अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि 1846 में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की संभावना लोगों ने बतलाई कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड मे बी कि कहीं कहीं विद्रोह हो जाए। उस समय कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, हम लोग पढ़े, और कुछ लोग भाग भी गए। लेकिन उस समय उस विद्रोह का व्यापक प्रभाव या इरप्शन भी नहीं हुआ। लेकिन जो हम लोगों का विषय वस्तु है यहाँ, जो इमीडिएट कॉज कहलाता है, जो वो इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जाना था, उसमें जो कार्टेज का इस्तेमाल था, अभी हम लोगों ने पिछले पहले वाले खंड में एनफील्ड राइफल को भी देखा। तो किस तरह से
दांत से खींचकर क्रीज करना था और उस क्रीज में अफवाह अगर होगा तो लोग बड़ा ही बुद्धिमान थे। हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी, मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी, यही तो दो बात कहना था और ये हिट फार्मूला बन गया और हिंदू और मुसलमान दोनों में इक्वली इस बात का विस्तार हुआ कि अंग्रेज भारत के लोगों को धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों को मुसलमान ईसाई बनाना चाहते हैं। इस बीच में जनवरी 1857 जगह था दमदम, कलकत्ता में है। यहां पर एक अफवाह फैली, कहा जाता है कि एक पंडित जी सिपाही थे, वो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जा रहे थे। उसी समय किसी ट्रक के खलासी ने उनसे कहा कि पंडित जी आपको एक बात पता है, तो बड़ा उत्सुकता बस बोले कहा है, तो सिपाही उस खलासी ने कहा कि सब जगह अफवाह है कि मुसलमान अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा राइफल इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। और उसने कहा कि हम लोग तो ये भी सुने हैं कि वो सब इसका हड्डी का चून बनाकर आटा में मिला देता है, आप लोगों ने कुआं में डाल देता है कि यहाँ से बचिए तो वहां, वहां से बचिए तो वहां, कहीं ना कहीं आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। अब पंडित जी खांडी पंडित जी से दौरे दौरे अपने बैरक में गए और लोगों से बोला कि ऐसा ऐसा अफवाह है। खैर वहां के लोगों को तो उस समय विद्रोह करने का नहीं हुआ, लेकिन अफवाह फैलने लगा, है ना। और जैसा मैंने कहा कि सच्चाई से ज्यादा पैर अफवाह का होता है और अफवाह तेजी से फैलो। 26 फरवरी 1857 नेटिव 19th नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसने परेड करने से इनकार कर दिया, है ना। मिचेल इसका कमांडिंग ऑफिसर था, जो भी रिपीट करे लिखते जाइएगा, मिचेल वाज द कमांडिंग ऑफिसर। सेना में नियम बहुत ही कड़ा होता है, कमांड होता है वहां ऑर्डर नहीं होता। इफ यू डिसोबे द कमांड यू आर फिनिश्ड। 19th नेटिव इन्फेंट्री वाज इमीडिएटली डिसबैंडेड, उस यूनिट को ही समाप्त कर दिया गया, है ना। इसमें नियम ही होता, सभी की नौकरी चली गई। 29 मार्च 1857 30th नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसी में हमारे मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी थे और इस नेटिव इन्फेंट्री ने भी वही किया। आप लोगों ने मंगल पांडे सिनेमा में देखा ही होगा, जो कि बार बार पिछले क्लास में मैंने कहा था सिनेमा बनेगा तो उसमें दाएं बाएं बहुत सारा चीज नहीं रहेगा तो सिनेमा तो कैसे बनेगा, और लोगों को नमक मिर्च मसाला नहीं मिलाया जाएगा तो टेस्टी बनेगा नहीं। हालांकि मंगल पांडे सिनेमा फ्लॉप कर गया बेचारा आमिर खान का, लेकिन सिनेमा ही बन गया मंगल पांडे जी पर। हम लोगों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कुछ लोगों को खराब लग सकता है, हर घटना को आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाने का भी हम लोगों का एक रवैया है, आदत है, उसी का हिस्सा है वो मंगल पांडे जी भी। निश्चित रूप से मंगल पांडे जी एक खांटी ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण लोग थोड़ा ज्यादा खांटी ब्राह्मण होते हैं, और जब उन्हें अफवाह का पता चला तो निश्चित रूप से उनमें प्रतिक्रिया हुई। और उस समय का जो डिटेल कुछ जगहों पर आया है कि वो अपने लोगों से लगभग पागलों की तरह कहते थे कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, विद्रोह करो, विद्रोह करो, लेकिन सेना में विद्रोह इमीडिएट करने का बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। अगर आप सैनिक हैं, सिपाही हैं, नौकरी मिली हुई है, विद्रोह करने का अंदर जान जा सकता है, नौकरी जा सकती है, तो उतना ज्यादा त्याग बलिदान करने के लिए हर आदमी के अंदर ताकत नहीं होती और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हाँ जैसा है वैसा चले। लेकिन मंगल पांडे जी थोड़ा उस इमोशन में या फीलिंग्स में इतने ज्यादा हो गए और कहते हैं लोग कि वो लोग पागलों की तरह मतलब थोड़ा करते थे कि हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि धर्म और जाति दोनों खतरे में, और बहुत सारे लोगों में होता है कि जब धर्म और जाति ही नहीं रहेंगे तो जीकर क्या करेंगे,
उसी तरह के मनोभावना के साथ मंगल पांडे जी रहे हों। जिस दिन उन्होंने विद्रोह किया उनके साथ एक दूसरे सैनिक ने विद्रोह नहीं, ये बड़ा ही आश्चर्य और दुख का भी बात हुआ कि पूरे विद्रोह, मतलब इन्होंने सीधे कहा कि हम विद्रोह परेड नहीं करेंगे और विद्रोही हो गए। शेख पलटू ने इनको पकड़ा, शेख पलटू है ना, और इन पर तुरंत ही कोर्ट मार्शल हुआ मंगल पांडे जी पर, और 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ, 8 अप्रैल को इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये मंगल पांडे जी का सॉलिटरी विद्रोह था, क्योंकि इनके यूनिट में इनके अलावे और किसी ने भी मंगल पांडे जी का साथ नहीं दिया। अफसोसजनक भी है, लेकिन 1857 की घटना को मोड़ देने वाली घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित 24 अप्रैल 1857 मेरठ। यहाँ पर 2357 भारतीय सैनिक थे और लगभग इसी के बराबर अंग्रेज सैनिक भी थे, इसलिए दोनों के संख्या में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था। यहाँ तीसरी घुड़सवार यूनिट, थर्ड कैवेलरी यूनिट के 90 में से 85 सैनिकों ने परेड करने से इनकार कर दिया। यूनिट को इमीडिएटली डिसबैंड किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ और सैनिकों को 5 से 10 साल की सजा दे दी गई। यहीं पर कहा जाता है कि इतिहास में करवट कैसे बदल जाता है। ये घटना हो गई, लेकिन अंग्रेजों के मन में क्या आया? अगर ये घटना यहीं पर खत्म हो गई होती, हो सकता है कि आगे कुछ नहीं हुआ होता। अब अंग्रेजों को लगा कि इस तरह के जो विद्रोह रिपीटेड हो रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो कड़े कदम उठाए जाए जिससे कि इट मस्ट गिव अ मैसेज टू अदर्स सो दैट अदर्स डोंट डेयर टू रिवेल। चेतावनी देने के लिए जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने सजा का प्रोविजन किया कि खाले निकाल लेंगे, तो कष्ट के बदले लोग विद्रोही ज्यादा हो गए, है ना, उसका डर कम हुआ और विद्रोह ज्यादा हुआ। तो 9 इन लोगों ने फैसला किया कि परेड ग्राउंड में सारे सैनिकों को बुलाकर हम इनका अपमान करें और तरह तरह की सजा दें। इसीलिए 9 मई 1857 को जिन सैनिकों को सजा भी दे दिया गया था उन सैनिकों को मैदान में बुलाया गया और विभिन्न तरह से अपमानित किया गया, सजा दी गई। अब और सारे सैनिकों को मैदान में दर्शक की तरह बुला लिया गया। स्वाभाविक है कि जो भारतीय सैनिक थे उनमें 2-3 बातें आई कि जब तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो गया, सजा दे दिया, तो इस तरह से अपमान करने का क्या मतलब। फिर इनके मन में आया कि जो 85 या जो 90 आदमी है ये अपने धर्म के लिए अपमानित हो रहा है, ये अपने जाति की रक्षा के लिए अपमानित हो रहा है, ये कोई पर्सनल, नॉट फॉर पर्सनल रीजंस, किसी का इसमें कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, तो स्वाभाविक है कि और सिपाहियों को लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारे हितों का रिप्रेजेंटेटिव है और ये हमारे धर्म और जाति के लिए इतनी सजा पा रहे हैं तो हम भी तो भारतीय हैं। लोग गुस्सा होकर सामने गए और सैनिकों में मीटिंग करने का तो प्रोविजन है नहीं। अगला दिन संडे था, रविवार था, इस रविवार को शाम में अंग्रेज लोग चर्च में प्रेयर करने जाते हैं और ये सही मौका भारतीय सिपाहियों को लगा। शाम में जब बैरक अंग्रेजों से खाली हुआ और कुछ ही गार्ड इधर उधर थे, एक बार हल्ला हुआ, उठाओ गोली बंदूक उठाओ, सारे सैनिक पहले आर्मरी की तरफ दौड़े, अपना अपना बंदूक उठाया और जितना गोली ले सकता है पॉकेट से लेके सब भर लिया और सीधा विद्रोह कर दिया। रास्ते में जो आया उसको उड़ा दिया। आश्चर्य है कि 2200 के आसपास अंग्रेज सैनिक भी वहां थे, व्हाई दे डिड नॉट काउंट। हो सकता है कि विद्रोह अचानक हुआ, उन लोगों को अंदाजा नहीं लगा,
नहीं तो पर्याप्त संख्या में अंग्रेज सैनिक भी वहां थे। इस बार सैनिक मेरठ शहर में निकल गए और जी भर के शहर में लूटपाट किया, इधर उधर हुआ। कहा जाता है, इसमें और भी स्टडी हुआ है, कि इस लूटपाट का या जो हंगामा हुआ, इसका फायदा आसपास के चोर लुटेरों ने भी उठाया। गंगा जी जब बहिए रहे तो नहा लेना है ना, तो ऐसा भी लूटपाट का माहौल वहां बना रहा। लेकिन 7 या 8 बजते बजते लोगों का गुस्सा शांत हुआ, यानी सैनिकों का। अब हुआ कि जब गुस्सा शांत हो जाता है तब थोड़ा रीजन आता है, तर्क आता है, बुद्धि आती है। अब हुआ कि इसके बाद क्या। अब लोगों ने दिल्ली दिल्ली सुना था कि दिल्ली मुगल बादशाह, दिल्ली मुगल बादशाह। इतना पता था कि दिल्ली का मुगल बादशाह कौन हालत में कैसा जिंदगी जी रहा। अब आपके मन में जो मुगल बादशाह, वो अकबर, वो बाबर, वो हुमायूं, वो औरंगजेब, वो शाहजहां, आपको लगा वही वाला है। सारे सैनिक यहाँ से मेरठ से चल दिए दिल्ली। मेरठ से दिल्ली सीधा रास्ता है, पैदल चले। सुबह सुबह जब दिल्ली पहुंचे तो कहा जाता है कि मुगल बादशाह भी सोकर ही उठा था। जब हल्ला सुना तो लोगों से कहा कि जरा पता लगाओ कौन है। पता लगा कि सैनिक विद्रोह करके आए। उसने कहा कि जल्दी गेट लगाओ, लेकिन तब तक सैनिक गेट के अंदर घुस गए और मुगल बादशाह के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस विद्रोह का नेतृत्व संभालने में, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जीनत महल, वह लगातार मना कर रही थी कि भोजन पर आफत है, क्यों इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हो। और अगर बहादुर साहब को समय मिल गया होता तो वह गेट बंद करवा के बंद हो जाता अंदर, वह नेतृत्व लेने बाहर नहीं आया होता। चलिए तो उधर की घटना उधर है। तो यहां से भारत के इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि विद्रोह करने वाले सैनिक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली सिंबल था, प्रतीक था, और दिल्ली का मुगल बादशाह सिंबॉलिक भारत का बादशाह था, वास्तविक। इसीलिए नहीं कहा जा रहा है कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। तो अब उस विद्रोह को हम लोग दिल्ली छोड़ देते हैं और बिहार लौट आते हैं, क्योंकि हम लोगों को बिहार देखना। तो हम मई में हुआ हमारे बिहार की पहली घटना 12 जून 1857। रोहिणी, यहां सेना का मुख्यालय था। रोहिणी अब झारखंड में चला गया है, देवघर जिले में। यहां 3rd रेजिमेंट था, मेजर मैकडोनाल्ड इनका नेतृत्व कर रहे थे। 3rd रेजिमेंट मेजर मैकडोनाल्ड। यहां पर 3 सैनिक इसी भावना फीलिंग से प्रेरित होकर, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और इनके सहायक थे ग्रांट लेस्ली, डॉक्टर भी थे लेस्ली, ग्रांट लेस्ली। इन पर गोली चलाते है ना। इस गोली चलाने की घटना में लेफ्टिनेंट लेस्ली वही मारे जाते है ना। मतलब 2 आदमी हुए, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और उनके सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट लेस्ली। 3 सैनिक उन पर आक्रमण करते हैं, लेफ्टिनेंट लेस्ली वही मारे जाते हैं, 2 आदमी घायल हुए। मेजर मैकडोनाल्ड शेष विद्रोह को सख्ती से दबा देते हैं और जो दोषी हैं सैनिक उनको स्वयं सजा देने का फैसला करते हैं। सजा देने की प्रक्रिया को मेजर ने वहां स्वयं ही लिखा है। 3ों को मौत की सजा दी जाती है।
इन तीन सैनिकों में एक सैनिक ऊंची जाति के थे, फॉरवर्ड थे। अब देखिए अंग्रेजों का क्या तरीका था, एक फॉरवर्ड सैनिक को अपने यूनिट के सबसे निम्न जाति के लोग से उनको फांसी दिलवाते हैं। यानी जब अगर कोई आदमी हो उच्च जाति का हो और जाति व्यवस्था हो और किसी निम्न जाति के द्वारा उसे 10 जूता मरवाइए और अंग्रेजों के सामने, तो आपकी सामाजिक और प्रतिष्ठा और मानसिक रूप से आपको वो प्रताड़ित करना चाहता है। इसी कारण से इसने जो उच्च जाति के सिपाही थे उनको सबसे निम्न जाति के सिपाही से फांसी दिलवाया और शेष दो को खुद ही फांसी दे दी। इस फांसी देने की प्रक्रिया में मैकडोनाल्ड ने न ही सरकार से आदेश लिया और न ही नियमों का पालन किया, है ना। यह मनमानी था लेकिन अंग्रेज ही सब कुछ थे, तो मनमानी पर कौन सवाल उठाएगा। इसके बाद सेना का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर लाया गया। यहां भी एक बटालियन ने विद्रोह कर दिया। बाद में यह विद्रोह पश्चिम बिहार की तरफ चला गया। गया में कैप्टन रैतरे ने इसे रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ और ये विद्रोही सैनिक टिकारी गए। टिकारी के जमींदारों से पैसा छीना और आगे जाकर अमर सिंह से मिल गए, ठीक है। तो ये रोहिणी की घटना हुई। अब आ जाते हैं हम लोग पटना, रोहिणी से पटना। पटना में कमिश्नर टेलर, कमिश्नर टेलर बड़ा आतंकवादी टाइप का आदमी था। He did not have a good reputation, लेकिन अंग्रेज था, समझदार तो था ही, चालाक भी था। जिस तरह से लगातार सब जगह विद्रोह की घटनाएं सुनाई दे रही थी, टेलर ने पटना और आसपास के इलाकों के सुरक्षा का काफी इंतजाम किया। बगल में दानापुर था, यहाँ सैनिक रेजिमेंट था। टेलर ने वहां के मेन लॉयड को इस बात की सूचना दी और सुझाव भी दिया, और उसका सुझाव था कि भारतीय सैनिकों के हथियार वापस ले लिए जाए। लेकिन लॉयड बहुत ही दम्भी था, उसको बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उसने कहा कि हमको ज्यादा सुझाव ना दो, हम जानते हैं कि अपने सैनिकों को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए कहे जाने के बावजूद दानापुर के भारतीय सैनिकों के हथियार वापस नहीं लिए, जो कि बाद में इनके लिए काफी खतरनाक हो। और जब वो सैनिक कमांडर है तो कमिश्नर बहुत ज्यादा नहीं बोल पाया। इस बीच कमिश्नर टेलर ने अपने सारे कई जगहों के अधिकारियों से कहा कि स्पेशल फोर्सेस शुड बी रिक्रूटेड। लेकिन उस ऑर्डर की एक विशेषता थी, उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि जब सेना का रिक्रूटमेंट करो तो उसमें राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान को रिक्रूट नहीं करना है। राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान को रिक्रूट नहीं करना है। शेष अन्य जातियों के फिजिकली फिट मजबूत लोगों को सेना में रिक्रूट किया जाए। इसी तरह का ऑर्डर सिवान, बार, शेरघाटी, है ना, लगभग कई जगहों के लोगों को, अधिकारियों को दिया गया, ठीक है ना। तो अंग्रेज एक एडिशनल फोर्स के निर्माण के लिए भी लगे। 19 जून 1857 कमिश्नर टेलर ने पटना के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक बुलाई, चाय पार्टी बुलाई। सभी लोगों को लगा कि वाह, चाय पार्टी तो कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, तो यहाँ तो दरोगा जी चाय पार्टी बुलाएंगे तो लोग दौरे हुए चले जाएंगे, लोगों को लगता बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी। चाय पार्टी जब हो गया और सभी लोग जाने लगे तो कमिश्नर टेलर ने 3 बहावियों को रोक लिया, जिसमें हुसैन अहमदुल्ला और बैजुल हक शामिल थे, और उन्हें एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। बहावियों की इस गिरफ्तारी को अंग्रेज इतिहासकारों ने भी अप्रूव नहीं किया है और इसे टेलर के धोखेबाजी का व्यवहार कहा है,
और कई लोगों ने तो दम भरते हुए कहा कि यह अंग्रेज होने का मतलब ये एक तरह से अपमानजनक है अंग्रेजों के लिए कि किसी को धोखे से गिरफ्तार किया जाए। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका आलोचना किया है, विरोध किया है। 20 जून 1857 टेलर ने पटना नगर में एक ऑर्डर निकाला और सारे पटना के लोगों के कहा कि अपने अपने अस्त्र शस्त्र सरकारी मालखाने में जमा करवा दें। और एक ऑर्डर दिया गया कि 9 बजे रात के बाद कोई भी पटना का आदमी बिना अनुमति पत्र लिए बाहर नहीं निकलेगा, है ना, एक तरह से घर में रहेगा। इसी समय पटना में अली करीम नामक एक मुसलमान काफी क्रांतिकारी आदमी थे, अली करीम, ये क्रांति में या बहुत सारे लोगों को भड़काने में इनकी सूचना मिली, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास हुआ, सफल नहीं हुआ टेलर, और इन पर उस जमाने में 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हुआ। आज के जमाने से लाखों में हो जाएगा, 5,000 रुपया की इनको कोई गिरफ्तार करवा ले, लेकिन पकड़े नहीं गए और निकल भागे गोरखपुर चले गए। 3 जुलाई को पटना एक मेजर विद्रोह की चपेट में आया, 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 पटना सिटी में विद्रोह की खबर हुई। बिहार का ओपीएम एजेंट था, मुख्य सहायक था आर लॉयल, वह 50 सैनिकों के रक्षकों के साथ एक कंपनी सुबेदार 8 सिख और अन्य लोगों को लेकर इस विद्रोह को दबाने पहुंचा, लेकिन लॉयल मारा गया, है ना। ओपीएम एजेंट का मुख्य सहायक आर लॉयल वाज किल्ड। इस विद्रोह को मतलब जब पटना में इस तरह के अधिकारी की हत्या हो गई, टेलर के लिए बहुत चिंताजनक था। एक साथ उसने कैप्टन रैतरे, लेफ्टिनेंट कैंपवेल, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री मैंगल्स, जो सिटी में मैंगल्स टैंक है ना, मंगल तालाब, मैंगल्स टैंक था इसी के नाम, मैंगल्स टैंक को भारत बिहार के लोगों ने मंगल कर दिया, मैंगल्स अंग्रेज को हिंदी मंगल कर दिया, नवे पलट दिया। इन लोगों को भेजा गया और पुलिस बटालियन के 100 जवान मजिस्ट्रेट एस लेविस के साथ गए, एम लेविस के साथ गए। इस विद्रोह का मुख्य भूमिका, मुख्य जो एक्टर थे, अली करीम थे। फिर से वो पकड़े नहीं गए और भाग गए, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर लगभग 36 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 36 में 16 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, 14 को तो दंड सुनाने के 3 घंटे के अंदर लटका दिया गया। 2 आदमी को कुछ समय के बाद इस विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका एक किताब विक्रेता पीर अली की थी। उनके घर की तलाशी हुई, कुछ वैसे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, अंग्रेज मिले कि नहीं मिले, उनको कर दिया और उनको फांसी की सजा हुई। पटना डीएम साहब के सामने, जो पीर अली पार्क है, पटना डीएम साहब का रेसिडेंस है, वही पीर अली पार्क है, है ना, तो उनके याद में वहां पीर अली पार्क है। तो इस विद्रोह को, पटना का यह बहुत ही मेजर विद्रोह था। खाजे कला पटना में वहां के दरोगा जी को उपद्रव का सुसमय सूचना नहीं देने के कारण निलंबित कर दिया गया और भारतीय लोगों पर अविश्वास होने के कारण अंग्रेजों ने एक ईसाई डी सेलिबा को वहां का दरोगा नियुक्त किया, डी सेलिबा, है ना। तो इस विद्रोह का एक मेजर इम्पैक्ट वो हो। उत्तर बिहार में भी विद्रोह की संभावना बनते हुए अंग्रेजों ने कठोर दमन का सहारा लिया। वहां पर मिलों की फैक्ट्री बहुत ज्यादा थी, जो हम लोग पढ़े हैं पहले नीलेश साहब लोग, वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। इधर उधर रहने वाले नील हैं विद्रोह के डर से मुजफ्फरपुर भाग कर आ गए। वहां पर अनुमंडल मुख्यालय उधर का था सुगौली,
वहां में 12वीं नियमित घुड़सवार सेना स्थापित थी, रेगुलर कैवेलरी, 12th रेगुलर कैवेलरी। उसका मेजर था मेजर ईएस होम्स। गवर्नर जनरल की तरफ से उसे विद्रोह को दबाने के लिए असीमित अधिकार था, और उसका एक ही तरीका था, जो भी विद्रोही मिले उसको सीधे मौत की सजा देना। वह एकदम एक खूंखार आतंकवादी की तरह उधर ख्याल प्राप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसी के सैनिकों ने उसको पत्नी सहित मार दिया, गोली मार दिया, है ना। तो होम्स वाज किल्ड अलोंग विद हिज वाइफ, जो ब्रुटेलिटी कर रहा था, तो सुगौली का मुख्यालय में वो था, एंड ही वाज किल्ड। इसी समय एक यूनिट के जवानों ने पोस्ट मास्टर बैनेट और श्रीमती गार्नर की भी लड़की सहित हत्या कर दी। तो ये उस तरह का चला, और भी लोगों पर हमला हुआ, सब अंग्रेज वहां से भाग चले, जो भी भाग सकते थे भाग गए। तो सुगौली थोड़ा इंपॉर्टेंट है उस इलाके में, क्योंकि वहां होम्स के आतंक ने वहां के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। फिर स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, बिहार यानी बिहार जो इलाका है, शाहबाद, सभी इलाकों में 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू कर दिया, है ना। 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो ये इसी स्थिति को बिगाड़ते हुए जो टेलर है, उसने मुजफ्फरपुर और गया के मजिस्ट्रेटों को इंस्ट्रक्ट किया कि सारा साजो सामान और खजाना लेकर वो पटना चला आए, है ना। हालांकि सभी लोग इसमें सफल नहीं हुए, और ये सब घटनाएं जब घटी, इसी समय मुजफ्फरपुर में एचएल डेम्पिये ने मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया, और उस एरिया में जो भी विद्रोह हो रहा था उसको थोड़ा अगस्त के महीने तक थोड़ा नियंत्रित कर लिया गया। अब क्या हुआ कि जो घटनाएं घटी और घटनाएं घट रही थी, उससे सरकार टेलर से प्रसन्न नहीं थी, इसीलिए टेलर को हटाकर ई ए सैमुअल्स को कमिश्नर पटना का नियुक्त किया गया, और जनरल आउटराम को दानापुर और कानपुर का संयुक्त कमान दिया गया। जनरल आउटराम को यहां नियुक्त, लाइड और हैवलॉक को यहां से हटा दिया गया, ठीक है। इसी समय अब हम लोग कुछ और इलाके में चलते हैं, बिहार के नवादा, जहानाबाद, राजगीर इत्यादि इलाकों में हैदर अली खान, अहमद अली खान, मेहदी अली खान, हुसैन बख्श खान, ये सारे मुसलमान, गुलाम अली खान, हुक्कू सिंह, ननकू सिंह एवं फतेह सिंह, ये चूंकि एक किताब का हिस्सा है मेरा, इसलिए मैंने प्रयास किया कि ऐसे लोगों का नाम जो इतिहास में जिनको कोई भूल रहा है, अगर किताबों में कहीं दर्ज है तो फिर से वह करेंसी में आए, क्योंकि भाई उन लोगों ने देश के लिए जान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, तो उनके लोगों को भी लगेगा कि हाँ उनके पूर्वजों को कोई याद कर रहा है। इसलिए बहुत सारा नाम जो लोगों को लगे कि बेकार है, लेकिन वह इतिहास है, उसको बेकार जिस आदमी ने जिंदगी दी है उसको ऐसे नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है। इन सारे लोगों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट कर दिया अंटीपुर जगह में इकट्ठा होकर कि इस पूरे परगने में अंग्रेजों का राज खत्म। उस जमाने में यह अनाउंसमेंट करना भी कोई मामूली बात नहीं था। इस बात की जब घोषणा हुई, स्वाभाविक है कि कंपनी और उसके अधिकारियों में एक कभी फैल गई कि इतने बड़े इलाके में, पूरे जिसको हम मगध रीजन कहते हैं, पटना छोड़ दें और वो सारे इलाकों में लोगों ने कहा कि द कंपनी राज हैज बीन फिनिश्ड एंड वी आर हियर।
सरकार ने स्वाभाविक है कि रिटेलिएटरी एक्शन लिया और बड़ी संख्या में सेना उधर भेजी गई। कुछ ही दिनों में हैदर अली खान और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज अपने रीति रिवाज के अनुसार उनको फांसी दे दी गई। वजीरगंज, यहां लगभग 14 गांवों के लोगों ने खुशहाल सिंह के परिवार के लोग होंगे ही, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। वजीरगंज में खुशहाल सिंह के परिवार के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इनमें से अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर काले पानी की सजा दे दी गई। दिसंबर आते आते अंग्रेजों ने नवादा के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। भागलपुर में भी 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के दो कंपनी ने विद्रोह किया। अब आते छपरा, छपरा यूपी का ही बॉर्डरिंग एरिया था। यहां मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। सर जेम्स आउट्रम इस एरिया में, उन्होंने लोग अधिकारियों को इसको दबाने के लिए निर्देश दिया। कैप्टन रैट्रे, मैकडोनाल्ड, इन सभी लोगों ने इस एरिया में विद्रोह को दबाने में हेल्प किया। इस एरिया में अंग्रेजों को नेपाल के राजा ने काफी मदद किया और गोरखा रेजिमेंट ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में काफी विद्रोह की संभावना बनी रही और सरकार ने इस विद्रोह को दबाने का हर प्रयास किया। नेपाल के राजा महाराजा जंग बहादुर स्वयं बेतिया पहुंचे और उन्होंने इस एरिया में विद्रोह को दबाने के लिए हर संभव अंग्रेजों को सहायता दिया। इवन नेपाल के अंदर भी आज्ञा दी गई कि अगर बिहार की तरफ से विद्रोही नेपाल में आए और अंग्रेजी सेना भी नेपाल में आए तो अंग्रेजी सेना को सहायता दी जाए। रुको।